guys, now we are back from my cousin's place. तो अब घर आ गए हैं, बच गया है शाम का 5. क्या क्या सिद्धार्थ गैलरी? सिद्धार्थ गैलरी तो अलग है ना, ये अलग है. चलो अच्छा, हाँ तो बोलो तुम लोग मेरे ऑडियंस को, दोनों लोग. तो ये दोनों मेरे भाभी के भाई और बहन हैं. तो ये हैं रूपल, ये मेरी बहन है. तो अब मम्मी को लेके जाएंगे नानी के घर, और फिर मम्मी मामा मामा को राखी बांधेंगी. तो आज का दिन तो ऐसे ही चलने वाला है, तो बने रहिए साथ में. नानी के घर के दर्शन भी करवाते हैं आप सबको. और हाँ, वहाँ का आई कांट प्रॉमिस कि वहाँ पे बहुत अच्छे वीडियोस बनेंगे या कुछ भी बनेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता मामा मामा मामियाँ मौसियाँ ऐसा कैमरा कॉन्शियस या नहीं है, तो पता नहीं क्या कैप्चर होगा क्या नहीं होगा. सो अगर कैप्चर हो जाएगा तो देख लेना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं. तो फिलहाल चलते हैं बिरहाना रोड. गाइस, फाइनली अब हम पहुंच गए हैं नानी के घर. मेरी हालत बहुत ख़राब हो रखी है, इतना भागम भाग हो गई है. तो अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर डायरेक्ट घर पे ही मिलेंगे. हेलो, तो ये हैं निशा मौसी, जिनको हम लोग प्यार से कम्मो बुलाते हैं, और ये हैं सुमन मौसी, जिनको हम लोग प्यार से डॉली बुलाते हैं, और ये हैं मामी. मामी हेलो बोलो. हेलो. ये हैं अपनी मामी. बड़ी मामी. इसी बात पे मामी कुछ खाने को रखा है, हमने कुछ खाना नहीं खाया, हमें भूख लगी. नहीं ये नहीं खाने के लिए. हाँ ये देखो लो, खा लो खा लो. क्योंकि सुबह से भाग रहे हैं और हम घर में खाना नहीं खा पाए. सिद्धार्थ तिवारी की पसंद है तो अच्छी तो होगी. सो गाइस, इजंट दिस इज अ लवली साड़ी? इट इज. सो गाइज, मासी ने जो साड़ी पहन रखी है ये मैंने लास्ट ईयर मासी को अपने जन्म के ओकेजन पे गिफ्ट करी थी. तो मैंने कई सारी साड़ीज़ ऑर्डर की थी. तो मेरी स्कूल फ्रेंड है, उसका ऑनलाइन साड़ीज़ का बिज़नेस है, तो मैंने सब वहाँ से मंगवाई थी. तो ये साड़ीज़ डायरेक्टली सूरत से आती हैं. तो इन केस कभी अगर आप लोगों को भी रीज़नेबल रेट पे बहुत अच्छी साड़ीज़ चाहिए होंगी, तो उनका फेसबुक पे लिबास नाम से पेज है, आप जहाँ के वहाँ उस पेज को फॉलो कर सकते हैं, और आप वहाँ पे जाके जो है साड़ीज़ ऑर्डर कर सकते हैं. एंड बिलीव मी, आपको रीज़नेबल रेट पे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सेक्सी साड़ीज़ मिलेंगी. लुक एट दिस वन, कितनी खूबसूरत साड़ी है और बहुत ही रीज़नेबल रेट पे मिली है. और क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने 2-3 फ़ोन से शूट किया है, तो आपको कहीं कहीं क्वालिटी में, पिक्चर क्वालिटी में डिफरेंस दिखेगा, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी और थैंक यू. मामा की बनाई है. मामा को देखो जरा, तुम अपन देखो. उसी बनी है, तुरंत उसी का टेक. कमो का ये गुड़िया मौसी, हेलो बोलो. अभी कल कह रही थी छोटू क्या कर रहे हो. चलो अब आपको फाइनली हम अपनी सबसे छोटी बहन से मिलवाते हैं. तो ये रही मेरे मामा की बेटी, इनका नाम है दिव्या, और घर में हम सभी ने प्यार से बेटू बुलाते हैं. तो चलो बेटू सबको हाय बोलो. हाय एवरीवन. कैसे हो आप लोग?
पूछ लो, हालचाल भी लोगों के पूछ लो। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं। सो हाउ डिड यू लाइक माय गिफ्ट? वेरी नाइस, बहुत अच्छा। दिखाओ लोगों को कि हमने तुम्हें क्या दिया बेटा। इयररिंग्स। तो देखो गाइस, आई गॉट हर सम दीज इयररिंग्स। ये इन्होंने हमसे मांगे थे, इन्होंने हमको फोन किया था कि दादा हमको इयररिंग्स ला के दीजिएगा, है ना? चलो ठीक है, तो चलो सबको बाय बोलो, फिर बाद में मिलते हैं तुमसे। गाइस अभी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है फोटो सेशन, फिर उसके बाद होगा गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, और वो ऊपर जो बीच में आप देख रहे हैं वो बैठी है मेरी प्यारी सी नानी। तो नानी से आपको किसी दिन किसी स्पेशल व्लॉग में मिलवाएंगे। टिल देन एंजॉय इट। सो गाइस अपन वापस आ गए नानी के यहाँ से, और सो फाइनली रक्षाबंधन इज ओवर, और पूरे दिन काफ़ी थकान हो गई, इधर जाना उधर जाना। जैसे आपने देखा ही होगा कि एक बहन का घर है काफ़ी दूर है कानपुर से, वहाँ गए, फिर आए, फिर नानी के यहाँ गए, तो पूरा दिन जो भागा दौड़ी में पूरा फेस्टिवल को ठीक से इन्जॉय ही नहीं कर पाए। खाना वाना तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं ठीक से। एक्चुअली सुबह मैं एक चीज़ बताना भूल गया था आप लोगों को कि आज रक्षाबंधन के साथ साथ है मेरी मम्मा का बर्थडे। तो मतलब हिंदी कैलेंडर वाला बर्थडे, तो माई मदर वॉज बॉर्न ऑन द डे ऑफ रक्षाबंधन। तो कहाँ जा रहे हो बेटा? तो यस, मम्मी रक्षाबंधन के दिन मम्मी का बर्थडे होता है, तो अब बस थोड़ा सा ये लोग सब लोग केक वेक की तैयारी कर लिए हैं, तो चलो अब मम्मी का थोड़ा केक वेक काटेंगे, फिर ये वीडियो समअप करेंगे। तो आई थिंक वो समअप स्टेटमेंट मैं अभी दे दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए हैं, हम सब थके हुए हैं, अभी सब पढ़ पढ़ के सो जाने वाले हैं। सो अगर आपको मेरा पहले व्लॉग का कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे व्लॉग को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ 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 आपके जितने भी जानने वाले हैं, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी हैं, या जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट है इस लायक कि आप लोगों में शेयर कर सकें और लोग मुझे सब्सक्राइब करें, तो प्लीज़ डू द नीडफुल। तो चलिए अब आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन मतलब स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड गॉड ब्लेस। हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday dear mama, happy birthday to you।